कोरोना संक्रमण काल में अभिनेता आमिर खान की अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए टर्की में लोकेशन देखे जाने पर ट्रॉल होने का मामला अब भी लोग नहीं भूल रहे हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि तकरीबन उसी समय टर्की में एक और हिंदी फिल्म की शूटिंग के लिए ना सिर्फ लोकेशन देखी गई थी बल्कि पूरी फिल्म भी वहां शूट कर ली गई थी। यह खुलासा खुद इस फिल्म की अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने मुंबई में मंगलवार को किया। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और मशहूर पंजाबी गायक हाडी संधु की फिल्म कोड नेम तिरंगा अगले महीने रिलीज हो रही है। लेखक निर्देशक रिबु दास गुप्ता की इस फिल्म के स्पेशल ट्रेलर प्रीव्यू के दौरान परिणीति चोपड़ा के साथ हाडी संधु, शरद केलगर, रजत कपूर, दिव्य युदूत भट्टाचार्य, शिशर वर्मा व अन्य कलाकार मौजूद रहे। इस अवसर पर परिणीति चोपड़ा ने इस फिल्म की ना सिर्फ शूटिंग लोकेशन का खुलासा किया बल्कि फिल्म में अपने किरदार के बारे में भी विस्तार से बताया। कोड नेम तिरंगा एक जासूस की कहानी है। परिणीति चोपड़ा इसमें एक रॉ एजेंट की भूमिका निभा रही हैं। परिणीति चोपड़ा कहती हैं हिंदी सिनेमा में महिला रॉ एजेंट पर बहुत कम फिल्में बनी हैं। इस किरदार को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। बॉलीवुड में अब तक मेरी छवि बबली गर्ल की रही है लेकिन इस फिल्म के बाद मेरी छवि बदल जाएगी, आप लोग मुझे एक्शन हीरोइन कहने लगेंगे। परिणीति चोपड़ा पहली बार कोड नेम तिरंगा में एक्शन करती नजर आएंगी। परिणीति चोपड़ा कहती हैं इस फिल्म के लिए मैंने फिल्म के एक्शन डायरेक्टर के साथ 6 महीने तक ट्रेनिंग की है। पहली बार एक्शन कर रही थी तो इस बात को लेकर बहुत तनाव था। जैसे ही मौका मिलता था उसी समय ट्रेनिंग ले लेती थी और खुद अकेले में भी अभ्यास करती रहती थी। मैं यह नहीं देखती थी कि होटल के कमरे में हूँ या फिर किसी गली में, बस एक्शन की धुन सवार थी। कोट नेम तिरंगा की शूटिंग लॉकडाउन के दौरान टर्की में हुई। परिणीति कहती हैं डर के माहौल में हमने शूटिंग पूरी की। अगले दिन क्या होगा, कहाँ शूटिंग होगी, किसी को पता नहीं था। शूटिंग के कुछ लोगों को कोविड भी हो गया था। मुंबई से मेरे आसपास और दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे और पूछ रहे थे पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा है, तुम वहाँ शूटिंग कर रही हो। शूटिंग के दौरान भारतीय खाना ना मिलने की दिक्कत के बारे में भी परिणीति ने विस्तार से बताया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ साइट। धन्यवाद।